सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचे जाने का खुलासा हुआ है। पुणे पुलिस के दावे की माने तो नक्सली राजीव गांधी की हत्याकांड के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना बना रहे थे। इस बात का भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच में गिरफ्तार पांच लोगों के पास मिले दस्तावेजों से हुआ है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से पकड़े गए एक नक्सल समर्थक के पास से ये खत बरामद हुआ है। पुणे पुलिस ने दिल्ली, मुंबई और नागपुर से पांच लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अदालत को बताया है कि दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी रोना जैकब विल्सन के कंप्यूटर से मिले एक पत्र में इस साजिश का जिक्र हुआ है। चिट्ठी के मुताबिक इसे कॉमरेड और कॉमरेड प्रकाश लिखा है। क्या लिखा है चिट्ठी में? बिहार और पश्चिम बंगाल में हार के बाद भी मोदी ने 15 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनवा दी हैं। अगर ऐसा जारी रहा तो पार्टी के हर मोर्चे पर मुश्किल पैदा हो जाएगी। इसलिए हम राजीव गांधी वाली घटना की तरह ही कुछ सोच रहे हैं। ये आत्मघाती लगता है और खतरनाक भी। हो सकता है कि हम फेल हो जाएं, लेकिन पार्टी को हमारी इस योजना के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए 8 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की बात भी कही गई है, ताकि MA राइफल और 4 लाख राउंड कारतूस चलाने की व्यवस्था की जा सके। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।